राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार दूसरी बार तीसरी ऐसा होता है नहीं ना, पहला प्यार ही होता है ना। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर, जितना समझाया है। अच्छा, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है, जिंदगी भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सदन में विदाई दी जा रही थी। इस दौरान सदन में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। दरअसल आप सांसद राघव चड्डा ने एम वेंकैया नायडू को विदाई भाषण में कुछ ऐसा कहा जिस पर एम वेंकैया नायडू ने भी उनकी चुटकी ले ली। दरअसल सांसद ने अपने पहले दिन का अनुभव को साझा किया और कहा कि स्कूल का पहला दिन, स्कूल के पहले प्रिंसिपल और पहला प्यार हमेशा याद रहता है, जिस पर एम वेंकैया नायडू ने कैसे चुटकी ली वो आप देखिए। सर, हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव जो होता है वो याद होता है। स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी तो आपका संरक्षण मुझे प्राप्त था। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य भी है सर कि एक ही सत्र सिर्फ आपके संरक्षण में काम करने का मौका मुझे मिला सर। इसी के साथ साथ सर, जिस दिन मेरी ओथ थी उस दिन आपने मुझे एक पंक्चुअलिटी का बड़ा अहम पाठ पढ़ाया था। मुझे याद है करीब 11 बजे का समय था और क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ सुबह पहले गुरुद्वारे गया, मत्था टेका, ट्रैफिक भी था तो आने में मुझे 8-10 मिनट देर हो गई। तब तक शपथ ग्रहण समारोह जो था वो समाप्त हो गया, आप मुड़कर वापस भी चले गए, लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट पर आप वापस आए। आपने पंक्चुअलिटी का एक पाठ मुझे पढ़ाया और उसके साथ साथ मेरी ओथ भी आपने ही कराई थी सर। इसके साथ साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी भी जो जर्नी रही, जो यात्रा रही, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की यात्रा से मेल खाती है। आप भी जयप्रकाश नारायण साहब के जो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा उसके एक समिति के अध्यक्ष रहे, हम भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मे, हमारी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, तो एक समानता मैं आपके साथ आपके जीवन से ड्रॉ करता हूँ। इसी के साथ साथ सर, आपकी जो एक जर्नी रही, आपकी जो जर्नी रही वो हम सारे युवाओं के लिए खास करके एक प्रेरणा स्रोत है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर एक विधायक, सांसद, मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति के तौर पे आपने अपना सर कार्यभार संभाला। और मैं बस अंत में इतना कहूँगा कि राज्यसभा का पहला सत्र जब 1952 में हुआ तो उस समय के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, उन्होंने एक बात कही थी, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा सर। आई बिलोंग टू नो पार्टी एंड दैट मीन्स आई बिलोंग टू एवरी पार्टी इन द हाउस। इट शैल बी माई एंडेवर टू अपहोल्ड द ट्रेडिशंस, द हाइएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एक्ट टूवर्ड्स एवरी पार्टी विथ फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, विद इलविल टू नन एंड गुडविल टू ऑल। आपने सर उस सारे शब्दों को सार्थक किया है। मैं आपको अपना सफल कार्यकाल समाप्त करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार दूसरी बार तीसरी ऐसा होता है नहीं ना, पहला प्यार ही होता है ना। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर, जितना समझाया। हाँ, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है, जिंदगी भर। तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले प्यार का जिक्र करते हुए एम वेंकैया नायडू ने आप सांसद राघव चड्डा की चुटकी ली, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के विदाई समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी इमोशनल हो गए थे। ऐसे में सभी की ओर से काफी अच्छी तरीके से एम वेंकैया नायडू को विदाई दी गई और उनके किए कार्यों की सराहना की गई। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।